अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ईश्वर पर उतना भरोसा तो रखो, कभी कभी भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और अगर थोड़ी सी परेशानी से तुम्हारा भगवान से भरोसा टूट गया तो इसका मतलब भरोसा था ही नहीं। इसलिए तुम हिम्मत रखो बेटा, विश्वास रखो, राधे श्याम किसी की कहानी अधूरी रहने नहीं देंगे। एक ये है जो अपने प्रेम के लिए लड़ रहा है, न जाने इसकी राधा कहाँ है, और दूसरी तरफ वो है जिसने अपना प्रेम का समर्पण कर दिया है। हे कृष्ण, दोनों बच्चों का मार्गदर्शन करना। अरे अनामिका बिटिया जल्दी चलो, बहुत तेज तूफान आने वाला है। मैंने रुचिता को इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि वो वापस आकर मुझे मेरे बेटे से दूर कर देती, और मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन रुचिता को खोकर मैं वैसे भी अपने बेटे को खो चुकी हूँ। पता नहीं ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है इस रुचिता ने मेरे बेटे पर कि उसे उस लड़की के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। लेकिन मैं भी माँ हूँ निहार की, ऐसे हार नहीं मानूंगी। चल उठिया से, देख सब लोग जा चुके हैं, हमारी मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। चल आ जाओ घर चलते हैं। चल यार घर तो जाना ही होगा, इनकी आंखें बता रही है कि शायद रुचिता वापस आने वाली, शायद ये उसे मेरे पास भेज रहे हैं। अब कैसे समझाओ तुझे निहार कि रुचिता कभी वापस नहीं आएगी। अच्छा पहली बार आ रही है इंडिया वो क्या? अरे ये प्रोजेक्ट भी वही संभालेगी, वाह वाह बहुत बढ़िया। नहीं नहीं अरे बिकने की क्या बात है ऊर्जा जी, हम उसका स्वागत यहाँ बड़े धूमधाम से करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जी जी ओके टेक केयर। किसका फोन आया जी? लंदन के मेरे क्लाइंट है मिस्टर ऊर्जा, उनकी ओर से बहुत सालों के बाद कॉन्ट्रैक्ट आया है, ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी बेटी देखने वाली है, वो पहली बार इंडिया आ रही है, तो मैंने कह दिया कि उनका स्वागत हम जश्न के साथ करेंगे। ये तूने बहुत सही किया बेटा, वैसे भी रुचिता के जाने के बाद से इस घर में सिर्फ मातम छाया हुआ है, इसी बहाने थोड़ी रौनक हो जाएगी। वैसे क्या नाम बताया जी आपने उसका? रितिका। निहार उठ जा, आजा, उठ निहार। नहीं भाई, जब तक ये मुझे कोई साइन नहीं देते कि मेरी रुचिता वापस आएगी मैं घर नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
आज आपको मुझे ये संकेत देना ही होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। बोलिए, रुचिता वापस आएगी ना? बोलिए। पागल मत बन, चल यहां से, उठ। सही देखा, मैं जानता था कि ये मेरी रुचिता को जरूर वापस लाएंगे। थैंक यू सो मच भगवान। मैं रुचिता के आने का इंतजार करूंगा। मैं भी तो देखूं आखिर गोयल निवास में रितिका आहूजा के वेलकम के लिए क्या क्या तैयारियां हुई हैं। अच्छा, मैंने सुना है ये मिस रितिका ब्यूटीफुल के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। बिल्कुल, और होगी क्यों ना, आखिर लंदन में टॉप 3 ज्वेलरी स्टोर्स की ओनर जो ठहरी, तो ब्यूटी विद ब्रेन्स एक्सप्लेन्स इट। सुनो, स्नैक्स वगैरह सब रेडी है ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक सर्व करो जल्दी से गेस्ट में। हाँ, ये कब आएगी मिस रितिका? जरा मैं भी तो देखूं ये कौन सी बला है जिसके आने से पहले उसकी इतनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पूनम, निहार कहाँ है? जी वो मैंने कहा था उससे आने के लिए, लेकिन वो कह रहा था कि उसे पार्टी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता वो आएगा। जी अरे, ऐसे कैसे नहीं आएगा? ये डील उसी की वजह से तो हुई है, और वो नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जाके देखता हूँ। रितिका को अच्छा नहीं लगता। उन्हें कैसा लगे कैसा ना लगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सिर्फ रुचिता के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके गेस्ट को नाराज करूंगा तो रुचिता को बुरा लगेगा। इसलिए बस 2 मिनट के लिए आया हूँ, अपनी शक्ल दिखाऊंगा और चला जाऊंगा। वैसे कहाँ है आपकी गेस्ट? सुना था कि वो टाइम को लेकर बहुत पंचुअल है, लेकिन पहले दिन ही उसने अपने रंग दिखा दिए। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।